हाय, मैं हूँ ईशान सिंह मन्हास और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूस टीवी पे। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड ही रहता हूँ शो के लिए। मतलब अभी हमें 2 महीने तो हो गए हैं ऑन एयर, सो मतलब जो भी आगे स्टोरी है तो उसके लिए मैं हमेशा एक्साइटेड ही रहता हूँ, क्योंकि एक्टर्स को हमें खुद नहीं पता रहता कि आगे क्या राइटर्स लिखने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट तो हमेशा बनी रहती है। हाँ, सो हमारे शो का कॉन्सेप्ट, जैसे टाइटल है संजोग, मेंट टू भी बोल सकते हैं आप कि भाई ये होना ही था। सो उसके अंदर कहानी की स्टार्टिंग में जैसे दो मदर्स हैं, मतलब जो मदर्स बनती हैं तो उनके बच्चे आपस में बदल जाते हैं हॉस्पिटल में, और उसके बाद उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि हमारे बच्चों का जो नेचर, जो पर्सनैलिटी है, हमसे बहुत डिफरेंट है, यू नो। तो हमेशा एक माइंड में रहता है कि ये बच्चे थोड़े अलग क्यों हैं। फिर कहानी के साथ आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो ये रिवील होता है कि जैसे एक मदर को पता लगता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी वो दूसरी है। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बाद दूसरी मदर को पता चलता है कि अरे मेरी बेटी ये नहीं, दूसरी है। बस कहानी पर फ़र्क ये है कि दोनों माएँ, जैसे एक बहुत ही पॉजिटिव माँ है, बहुत अच्छे, जो जैसे कहते हैं टीवी में पॉजिटिव कैरेक्टर, और जो दूसरी माँ है वो भी अच्छी है लेकिन थोड़ी लालची है, पैसों का लालच है उसे, तो मतलब वो चाहती है कि मैं बहुत रातों रात अमीर बन जाऊँ। तो दोनों में वो कॉन्ट्रास्ट है, और उनका फिर इस वजह से, ये बच्चों के बदला बदली की वजह से क्या होता है उनमें आपस में और कहानी में, क्योंकि हम सब भी इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, तो हम लोगों पे भी क्या इम्पैक्ट आता है, तो कहानी वैसी है। इसके अलावा ऑब्वियसली उसके अंदर और भी स्टोरी चल रही है कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, और मैं उसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर हूँ। सो मैं मतलब मुझे मेरे पुलिस वाले भी काम है, क्योंकि शो में यू नो बहुत कुछ वो चल रहा है कि कोई करप्ट लोग हैं, कोई चीट लोग हैं, तो वो मेरा वो तो चलता ही रहता है। साथ में फैमिली के साथ भी मैं इन्वॉल्व रहता हूँ कि वहाँ जो भी ये सब बच्चे बदल गए वगैरह डे वन से, सो मेरा वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट रहता है स्टोरी के अंदर। फन मोमेंट्स, फन मोमेंट्स तो मतलब वैसे ही जब हम सब एक साथ एक सीन में होते हैं पूरी फैमिली, तो वैसे ही मज़ा आता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो हम सारे के सारे एक्टर्स बहुत ही फन लविंग, बहुत चिल्ड आउट एक्टर्स हैं, कोई एटीट्यूड नहीं है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है साथ में एक सीन करते हुए। सब मिलके जब सीन करते हैं तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता ही रहता है सीन के अंदर, कि कई बार अचानक जो सीन लिख के आए तो हम यू नो कई बार हम उस चीज़ पे भी हंस लेते हैं कि अच्छा अब हमें ऐसा करना है, जैसे यू नो अब जैसे जो नेगेटिव है उसको कुछ वैसा डायलॉग मारना है, कोई ऐसा डायलॉग बोलना है, तो हमें वैसे हंसी आ जाती है, क्योंकि असली में तो कोई नेगेटिव है नहीं, रियलिटी में सब अच्छे लोग हैं। सो बस वो सब हंसी मजाक चलता रहता है सेट पे। कोस्टार्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी, टचवुड वैसा कोई इशू है नहीं, और वो हमारे सीन्स में भी नज़र आता है, हमारी केमिस्ट्री में भी नज़र आता है कि यू नो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो आई होप ऐसा ही चलता रहे आगे भी। नहीं, अभी टेलीविज़न में तो एक टाइम पे आप एक ही शो कर सकते हैं, मैं चाह के भी नहीं कर सकता दूसरा, एक तो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट ऑफकोर्स मैं वेब में और फिल्म में भी देख रहा हूँ कि अगर वहाँ कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, कोई अच्छा ब्रेक मिलता है, सो व्हाई नॉट, यू नो तब डेट्स थोड़ा मैनेज हो जाती है। रियलिटी शो मुझे तो ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं मिल रहा देखने को, बट कई की बार न्यूज़ में पढ़ने को आ जाता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, सो उतना ही, बट बहुत काफ़ी साल पहले मैं देखता था बिग बॉस रेगुलर, बट अभी यू नो जब से टेलीविज़न में काम शुरू किया है मुझे, मैंने तो टाइम मिलता नहीं है। ऑब्वियसली मेरे घर पे सब देखते हैं, फैमिली देखते हैं, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। इस सीज़न में तो कोई मेरी पहचान का नहीं है, सो पहले रह चुके हैं काफ़ी सीजन में, बट इस सीज़न में कोई नहीं है पहचान। नहीं, एपिसोड्स तो मैं देख ही नहीं पाया, मैं सिर्फ लॉन्च एपिसोड देखा था जिसमें सारे के सारे कॉन्टेस्टेंट इंट्रोड्यूस हुए थे, सो वो बहुत अच्छा था, और उन्होंने यू नो पूरा इंटीरियर, पूरा सेट, एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट जो बनाया है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है इस बार, और आई थिंक कॉन्टेस्टेंट भी बहुत अच्छे हैं जो भी इस बार बिग बॉस में आए हैं, तो आई एम श्योर बहुत ही एंटरटेनिंग शो रहेगा ये इस बार। हाँ, नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं उसका, क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं अभी इस पॉइंट पे तो नहीं, बिकॉज मैं एज एन एक्टर, मैं अपने और ऑडियंस के बीच में ना एक थोड़ा सा एक वो गैप चाहता हूँ जो हमेशा रहे, एक मिस्ट्री जो कहते हैं। अगर बिग बॉस में आऊँगा तो यू नो एक इंसान की पूरी असली रियलिटी, पर्सनैलिटी सब एक्सपोज हो जाती है, कई बार ओवर एक्सपोज हो जाती है यू नो, और ऐसे ऐसे टास्क या सिचुएशन होगी जिसमें इंसान को गुस्सा भी आ सकता है,
तो वो वाली साइड में अभी इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ ऑडियंस के सामने शो करने, बिकॉज अभी मैं कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ तो मुझे अभी वही करना पसंद है. असली में मैं क्या हूँ तो वो कुछ ज़्यादा हो जाता है बिग बॉस में. तो अभी एट प्रेजेंट आई एम नॉट रेडी फॉर रियलिटी शो. बट ऑफकोर्स अगर कोई खतरों के खिलाड़ी जैसा शो हो, यू नो, जो पूरा ही कॉम्पिटिशन और फिजिकल टास्क और माइंड एंड एवरी थिंग पे बेस्ड है, देन वाई नॉट. बट ड्रामा अभी नहीं. मैं अपने फैन से कहना चाहूँगा कि हमारा शो संजोग जो रोज़ रात बजे 10 बजे आता है जी टी वी पर, आप प्लीज़ देखें, मिस ना करें. बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग शो है. यू नो, टिपिकल सास बहू एंड ऑल दैट ड्रामा नहीं है. सो आप इसको ज़रूर देखें और हमें बहुत सारा प्यार दें.